हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 18 जनवरी। मैंने सोचा कि चलो कुछ, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा और काफ़ी दिनों से मेरा कुछ बनाने का मन भी नहीं कर रहा है, तो मैंने जो लास्ट वीडियो पोस्ट किया है वो है 9th या 10th जनवरी का है। उसके बाद मैंने एक शॉर्ट डाला है जो कि एडवांस ITT लास्ट डे के एक दिन पहले का है। तो उसके बाद से मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया है और ना ही कुछ बनाया है। और उसके बाद पड़ी थी खिचड़ी जो कि 14 और 15 आपके यहाँ पे जब भी मनाई गई हो तो दोनों दिन होती है। वैसे आजकल हर एक फेस्टिवल जो है वो दो दो दिन हो रहे हैं, मतलब 14 भी और 15 भी, तो दोनों दिन थी। तो मैं घर गई हुई थी क्योंकि एडवांस ITT चल रही थी, तो 15 दिन से मैं घर भी नहीं गई। मैंने सोचा कि चलो आज कुछ बातें हो जाए, कुछ बात करते हैं और कुछ बताते हैं कि क्या हुआ इन 8 दिनों में और कल से क्या होने वाला है। तो उसी के लिए मैं आपके सामने हूँ। और पता नहीं आज, मतलब इतने समय बाद लेके बैठी हूँ तो थोड़ी सी अंदर से नर्वसनेस भी हो रही थी कि अरे यार, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, कैसे क्या बताऊँगी, कैसे बोलूँगी। तो यही सब था। फिर क्या, अब जब आ गई हूँ तो बात तो करनी है, तो चलो बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हाँ, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि इस टाइम मैंने ये जो पीरियड निकला है इसमें क्या किया। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी 14 जनवरी को एडवांस ITT जो है वो ओवर हो गई थी, 15 दिन की होती है, तो वो अच्छे से हो गई। उसके बाद 15th को मैं घर गई क्योंकि खिचड़ी थी और मैं काफ़ी टाइम से घर गई भी नहीं थी, मतलब अप्रॉक्स 1 मंथ हो गया था। वैसे मैं 15 दिन में जाती रहती हूँ, तो 1 महीना हो गया था मैं घर नहीं गई थी। तो मैं घर गई, मैंने कहा कि इसके बाद MCS भी करनी है, तो उसमें भी फिर 15 दिन कंटिन्यू रहती है तो जा नहीं सकते, तो इस वजह से मैं घर गई थी। और पता है क्या हुआ, मतलब मैं यहाँ से घर गई, मैं बस पर बैठी और मतलब जहाँ मुझे उतरना था बस वाले ने, मतलब बस वाला क्या, और मुझे भी ध्यान रखना चाहिए, खैर उसकी गलती नहीं है, मेरी भी गलती है, बस वाले ने मेरे घर से 10 नहीं 15 किलोमीटर आगे ले जाके उतारा जाकर। और जब मैं इतना आगे निकल गई मैं सोची आ क्यों नहीं रहा, मतलब मेरा जहाँ पे मुझे जाना था वो लोकेशन आ क्यों नहीं रही है, मतलब अरे यार। मतलब फिर जब मैंने देखा आगे टोल पड़ता है, जब वो टोल आ गया तब मुझे पता चला अरे मैं तो टोल पहुँच गई हूँ। और पता ये सब हुआ क्यों, मतलब हाँ क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि मैं बस में गई थी। वैसे मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, किसी से भी बात नहीं करती हूँ, चुपचाप शांति से बैठ के चली जाती हूँ आराम से। लेकिन उस दिन क्या हुआ, एक लड़की मेरे बगल में बैठी और वो यहीं पे विजयनगर पड़ता है कानपुर में, वहीं से मिल गई थी। तो वो बैठी मेरे बगल में और वो जा रही थी नवोदय, उसका भाई और उसकी बहन 9th और 10th क्लास में दोनों थे, वो पढ़ते थे नवोदय में। तो वो मेरे से ऐसे बात करने लगी तो बस मैं शुरू हो गई। और नवोदय वालों को तो आप लोग जानती हो, अगर कोई नवोदय का मिल जाए या मतलब उससे कुछ भी जुड़ी याद हो या फिर कुछ भी हो, मतलब तो बस इमोशनल, फुल्ली इमोशनल। और मैं पूरे बस सोचो उसके साथ, मतलब उसको वहाँ पर उतरना था, मैं वहाँ तक पहुँच गई जाकर, तब मुझे पता चला। वो बोली अरे अभी तो टोल आ गया, तुमको तो पहले उतरना था ना। हमने कहा हाँ भाई। फिर उसके बाद मुझे खुद अपने आ रही है, और मतलब खैर ये तो है कि मुझे पता है मैं खो नहीं सकती हूँ, कि मुझे इतना पता है, फ़ोन रहता है तो फिर खोने का कोई चांस नहीं। और वैसे भी मैं भी स्कूल जाती थी तो मुझे भी पापा लोग छोड़ने जाते थे, लेने जाते थे, तो ये रास्ता तो पता ही है उधर का। तब मैं उतरी वहाँ से फिर वापस आई। लेकिन अपने ऊपर हंसी आती कि ऐसा कैसे हो सकता है, जहाँ पे मैं अपने घर रेगुलर जाती हूँ तब 15 दिन में जाती ही जाती हूँ, तो कैसे छोड़ के हम इतना आगे निकल सकते हैं। फिर मैंने उधर से ऑटो पकड़ी, फिर ऑटो पकड़ के वापस आई। तो यही था कि वो नवोदय जा रही थी, वो मतलब बोलने लगी कि उसके भाई बहन को नहीं समझ में आ रहा, उन्होंने 9th क्लास से एंट्री ली है। तो मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, वो लोग कहती है मैथ्स वीक हो गई है, नंबर नहीं अच्छे आ रहे हैं। तो वही मैं उसको बता रही थी कि मतलब जो पढ़ाई वहाँ होती है वो अगर कोई बाहर प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट स्कूल्स में भी कराएगा ना, तो वो पढ़ाई नहीं मिलेगी। ऊपर से जो फीस होती है वहाँ पे तो खैर कोई फीस नहीं लगती है, और मंथली बॉयज़ की जो लगती है वो 500-600 लगती है, पहले 200 लगती थी। तो मतलब जिस माहौल में और जिस एनवायरनमेंट में वो पढ़ रहे हैं, और जो टीचर्स इतने मतलब काबिल हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो हैं वो पास करके आने होते हैं, और मतलब सारे टीचर इतने अच्छे होते हैं कि उनकी जो वो पढ़ा सकते हैं ना, मैं नहीं मानती कि कोई बाहर पढ़ाई होती होगी। यहाँ आपकी बात करूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही कि नहीं कहीं भी प्राइवेट स्कूल में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं, मेरे भाई खुद पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, तो मैं जानती हूँ कि 2-3 महीने में कितनी ज़्यादा फीस लग जाती है, जितना हो सकता है बहुत से लोग हो सकते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा फीस लगती है। तो वहाँ पे अगर पढ़ाई हो रही है तो मैं तो उनसे यही मैंने बोला कि उनको समझाओ कि अगर तुम लोगों का एडमिशन हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग पढ़ो, पढ़ के अच्छे से निकलो। और बाकी मैंने उसको बताया कि नवोदय वाले कितने अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, कितनी अच्छी अच्छी जगह पे हैं, और एक नवोदय है जो वो एक कम्युनिटी होती है, एक परिवार की तरह है। अगर आप ऑल इंडिया में कहीं पे भी जाते हो तो कहीं आपको रहने खाने और
भटक जाने की मतलब कोई वो नहीं है, आपको हर जगह पे नवोदय के लोग मिल जाएंगे और इतने हेल्पफुल होते हैं, इतने हेल्पफुल होते हैं, मैं सच में मतलब क्या ही बताऊँ, उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तो बस वही मैं इमोशनल हो गई, शुरू हो गई उसको बताना कि ये वो, जाने क्या क्या मैंने बता डाला सब, मतलब उसको समझाने के पर्पज से कि अपने भाई बहन को बोलो कि पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई होती है बाहर आके। अगर देखो जिसको जो बच्चे जो बिगड़ना रहता है बच्चे, तो फिर वो बाहर भी बिगड़ जाएंगे, और नहीं बिगड़ना रहता तो वो बाहर भी नहीं बिगड़ेंगे और जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी नहीं बिगड़ेंगे। तो बिगड़ने का मतलब है गलत आदतों में पढ़ना या पढ़ाई ना करना, वो चीज़। तो बस यही सब मैं उससे बातें करती चली आ रही थी, तो बस वाला भी मुझसे बोला कि मैंने दो बार चिल्लाया था, तो मैंने कहा नहीं आपने तो नहीं बोला, तो कहता आप पहले बातें कर लीजिए भाई। खैर तो ये हुआ, फिर उसके बाद मैं घर गई दो दिन तो मैं घर गई हुई थी, तो मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स लिए हुए हैं वह मैं लगा दे रही हूँ। ये पीयूष वर्क कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मुझे इसको देख के अपने स्कूल की याद आ गई थी, मतलब अपने 10th क्लास की याद आ गई थी, जब हम लोगों के बोर्ड्स थे तो कितना मतलब हम लोगों को कितना डर लगता था, वैसे ही उसको लग रहा होगा इस टाइम पे। और पीयूष मन लगा के पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसके एग्जाम्स हैं फरवरी में, अभी 17 से स्टार्ट हैं। तो बस ऑल द बेस्ट। और हम बाहर रहने वाले लोग घर का खाना देख के मतलब कितना अच्छा लगता है अंदर से, वो सारे लोग समझ सकते होंगे जो लोग बाहर रहते हैं। और देखिए जब मैं जाती हूँ ना तो हम तीनों साथ मिलकर खाते हैं, वैसे हम पीयूष ज़्यादा खाते हैं, लेकिन उस दिन आयुष भी खाने बैठ गया था। और प्लेट में आपने देखा क्या क्या था, सोया मेथी की सब्ज़ी और पराठे, और थी हमारी फेवरेट घर के बने खोए की बर्फी, उसकी बात ही अलग होती है। तो बस यहाँ पे हम तीनों लोग डिनर कर रहे थे बैठकर, और सामने चल रहा था तारक मेहता जो कि पीयूष का फेवरेट सीरियल है, और आप में से भी बहुत सारे लोगों का फेवरेट होगा, अगर किसी का है तो कमेंट करके बताइए। और वहाँ पे बड़ा वाला भाई शोभित वो भी अलग बैठकर खाना खा रहा था। इतना ही रिकॉर्ड किया। और उसके बीच में ये हुआ कि जिस दिन मेरी एडवांस आईडीटी खत्म हुई थी ना 14th को, उसी दिन सीएस होती है, उसका बैच आ गया था, तो मैं आके इतना थक गई थी वहाँ से कि सो गई आकर। और बस जब मैं 9 बजे उठी रात में, तो मैंने देखा कि 0 सीट्स बची हुई हैं, तो कोई सीट नहीं बची थी। तो अभी अभी जब आज 18 जनवरी है, तो अभी मैंने जस्ट आधे घंटे हुए हैं, 3 सीट वेकेट हुई थी, तो मैंने एक फिल कर दी है। और कल से मेरी भी MCS स्टार्ट है, तो मुझे यही था कि अब चल रही है तो कर लेते, वरना फिर एक बार पढ़ाई होने लगती है और फिर उसके बाद बीच में इंटरप्ट होगा कि 15 दिन आपको वहाँ पे जाना है, ये ट्रेनिंग करनी है जाकर। तो उससे अच्छा ये है कि अभी ये ख़त्म हुई है 14 को, और 19 से ये स्टार्ट हो रही है, तो बस कल से वो शुरू है, अब उसको देखते हैं। और इसमें क्या कराया जाता है, बाकी CA वाले आप लोग तो जानते ही होंगे, इसमें जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के उससे होता है, मतलब वहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे शायद, और जो सीट्स निकली थी वो ऐसे 45-50 थी, तो वहाँ पे सारे अलग अलग टीचर आते हैं डेली, CA ही आते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं आपसे। और एक्सटेम्पोर क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, कि मतलब एट रैंडम आपको स्टेज पे बुला के खड़ा कर देंगे और बोलेंगे, कोई टॉपिक दे देंगे तो उस पर आपको बोलना रहता है 5 मिनट या 10 मिनट, जो भी जितना भी अच्छा आप बोल सकते हो, जितना अच्छा कर सकते हो, तो वहाँ पे एक ये परफॉर्मेंस देनी होती है। इससे मतलब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और कम्युनिकेशन वो अच्छी होती है। तो खैर बस यही एक चीज़ है जिसमें मुझे डर लगता है, बाकी तो कोई भी एक्टिविटी करा लूँ तो मुझे डर नहीं लगता। और एडवांस वैसे मैं यहाँ पे तो इतना ज़्यादा बोल रही हूँ, वही मेरी एक फ्रेंड है एडवांस IDT में, वो बोल रही थी तुम वीडियो में तो बहुत अच्छा बोलती हो। मैंने कहा वहाँ पे मैं चुपचाप अकेले बैठ के बोलती हूँ, और बाहर तो ऐसे भी कम ही वीडियो बनाते, लेकिन इतने दिन से मेरा पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा था, एक तो MCS का बैच नहीं आ रहा था, ऊपर से भी पढ़ाई की इतनी ज़्यादा टेंशन थी। और चलो दो बातें तो मैंने बता दी आपको कि मेरे साथ इतने दिन में क्या हुआ, और उसके बाद ये कि अब मेरा बैच स्टार्ट है, फाइनली मुझे बैच मिल गया है, तो 19 से स्टार्ट है, अब ये ख़त्म होगा जाके 4-5 फरवरी को, मतलब 15 दिन बाद ख़त्म होगा। तो बस इसके बाद फिर बचेंगे सीधे 3 महीने। और मैं अब तीसरी चीज़ बताती हूँ आपको, मेरी एग्ज़ाम डेट्स, जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो मेरी आ चुकी हैं, मई में मेरे एग्ज़ाम्स हैं, तो डेट है 2, 4, 7 और 9, 4 पेपर हैं, जो कि मैं 4 पेपर दे रही हूँ, क्योंकि जितनी कैपेबिलिटी है मेरे अंदर मैं उतना ही दे पाऊँगी। और अभी मेरी क्लासेस जो हैं वो कैसे चल रही हैं वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो कोई भी अगर CA फाइनल का या फिर कोई CA बन चुके हैं, अगर वो लोग आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहो या बताना चाहो तो प्लीज़ बता सकते हो, और एक मतलब मोटिवेट भी कर सकते हो मुझे कि हाँ मैं 3 महीने में कर सकती हूँ। और क्योंकि मुझे बहुत 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 ज़्यादा मतलब इतने दिनों से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, यही चीज़ें मेरे मन में थी। वैसे 3 महीने काफ़ी हैं, मैं अपने आप को समझाती हूँ, 3 महीने काफ़ी, मतलब ऐसा है कि मेरी SFM और FR की जो है वो क्लासेस हो चुकी हैं पूरी, और मेरी ऑडिट चल रही है जो कि मैं MCS के साथ भी कंटिन्यू रखूँगी। MCS जैसे 5-6 बजे ख़त्म होगी तो रात में अपनी ऑडिट की क्लास करनी है, ठीक है, और उसके साथ साथ मैं रिवीजन करती जा रही हूँ, तो ऑडिट की क्लास मेरी तो फरवरी तक हो जाएगी, और उसके बाद बच्चे की लॉ, तो लॉ की क्लास भी मैंने ऑर्डर कर दी है, वो भी इसी के साथ कंटिन्यू चलाऊंगी या फिर वो बाद में चलाऊंगी। और
एफ आर का रिविजन और एस एफ एम का, मतलब जब मैंने एफ आर और एस एफ एम करी थी क्लास तो मैंने उतने अच्छे से रिविजन नहीं किया था, मतलब क्वेश्चन वगैरह नहीं लगाए, तो मेरा फोकस मेन यही था कि जल्दी से क्लास हो जाए, लेकिन फिर उस टाइम कुछ सिचुएशन कंडीशन ऐसी हो गई कि मेरी क्लास के साथ मतलब पढ़ाई नहीं हो पाई। मैंने सोचा तो पहले क्लास हो जाए उसके बाद पूरा रिवाइज करूँगी बैठ के, ये चीज़ मैंने गलत सोची है। तो अब सबसे पहले यही है कि मुझे रिविज़न करना है पूरा, तो मैंने सोचा है कि फरवरी में एफ आर और एस एफ एम जो है वो अपना पूरा का पूरा ख़त्म कर लूँ, और थ्योरी तो चली रही है ऑडिट के साथ में, और लॉ को भी इसको ले लेंगे जब हमारी एम सी एस ख़त्म हो जाएगी तो लॉ भी ले लेंगे। तो बस ये मेरा प्लान है, और बाकी आप लोग भी बताइएगा और मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ाइए कि येस आई कैन डू। मुझे बहुत तो मतलब मैं अभी यहाँ से बात कर रही हूँ लेकिन मेरे दिल में ना धक धक हो रही है एकदम से, और एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है जैसा मैंने आप लोगों को बताया। तो बस यही कुछ चीज़ें थी, और क्या आप लोग कैसे हो, कैसा क्या चल रहा है। तो मैंने सोचा कि बस यही एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ क्योंकि अभी कुछ बनाया नहीं, बाकी कल जब एम सी एस स्टार्ट होगी तो वहाँ से हम लोग वीडियो शुरू करेंगे दूसरा। और अभी मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा सा कम भी कर दिया जाए, अब मैं जितना मेरा मन करेगा जितना हो पाएगा उतना करूँगी, क्योंकि इसकी भी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है दिमाग में, मतलब रहता है अरे वीडियो नहीं पोस्ट किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन इतनी सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो सकती हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा कम करूँगी, लेकिन करूँगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, और बस ऐसे करूँगी कि मेरी पढ़ाई जो है वो इंटरप्ट ना हो, जब मेरे पास फ्री टाइम हो, या जब मतलब अब कोई कंटिन्यू तो पढ़ नहीं सकता, अगर कोई मुझसे ये कहे कि नहीं वो कंटिन्यू पढ़ता ही रहता तो मैं तो नहीं मानती, मतलब मैं नहीं पढ़ सकती। तो इस वजह से जो मेरा थोड़ा थोड़ा टाइम रहेगा उसमें मैं अपना एडिट करके जो भी है छोटा बड़ा जैसा भी वीडियो है, जो मेरा रूटीन रहेगा डेली का, और खाना पीना, जैसे मैं अकेले रहती हूँ तो सब मुझे खुद से करना पड़ता है, तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलने वाली हैं। तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और खूब सारा सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे जल्दी से 1K तो सब्सक्राइबर एटलीस्ट हो ही जाए, मेरा टारगेट फिलहाल का वही है। तो बस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो फिर से लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और अपने व्यूज़ और अपने अगर कोई देख रहा है एक्सपीरियंस पर्सन तो वो ज़रूर मुझे बताए कि मैं किस तरीके से पढ़ूँ और किस तरीके से नहीं। वैसे मैंने अपना शेड्यूल बनाया हुआ है तो मैं उसको एडजस्ट कर लूँगी अगर कुछ ऐसा होगा, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं तो वो भी आप लोग दे सकते हो, वरना मैं दूँगी आप लोगों को इंपॉर्टेंट टिप्स बस कुछ टाइम बाद के लिए, जैसे ही मैं पढ़ना और अच्छे से शुरू करूँगी। तो बाकी ठीक है, बाय।